जिसमें हम लोग देखेंगे आज एक नई रेसिपी जो है एक स्वीट डिश जिसे हम कह सकते हैं बेसन का हलवा, जिसे सोहन हलवा भी कहा जाता है। और इसमें लगने वाली चीज़ें जो हैं वो हम देख सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। बेसन 1 कटोरी, शक्कर 1 कटोरी, घी 1 कटोरी, दूध 1 कटोरी, पानी 2 कटोरी, और ड्राई फ्रूट हमें इसमें लगेगा सजाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती हैं, और ये बहुत ही इंस्टेंट हलवा है। मतलब अगर कोई गेस्ट आपके यहाँ आते हैं तो आप इसे इजीली बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो फ्रेंड्स, इसे ट्राई करना है हमें, और इसे ट्राई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे इस वीडियो को। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, इस हलवे को बनाने की शुरुआत करते हैं, आइए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे हलवा बनाने की रेसिपी को। जैसे कि हम जानते हैं कि हम बेसन का हलवा बना रहे हैं जिसे सोहन हलवा भी कहा जाता है, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें लगने वाले हैं वो ये हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बेसन है, शक्कर है, पानी हमें लगेगा, दूध, घी, और सजाने के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हमारे पास में बादाम, काजू, पिस्ता और कूटी हुई हमारे पास इलायची है, पीसी हुई इलायची है, इलायची पाउडर जिसे हम कह सकते हैं वो हमारे पास है। तो इस तरह से ये चीजें, मतलब विद इन 7 to 8 चीजों के अंदर आपका ये हलवा बनके रेडी हो जाएगा। आपको एक बात मैं बता दूं दोस्तों, कि हमने ये जो सारे मेजरमेंट्स लिए हैं, जैसे कि घी, दूध, बेसन, शक्कर, ये सारी चीजें हमें सेम क्वांटिटी में लेनी है। जैसे आप ये देख सकते हैं, जो कटोरी हमारे पास घी की है, इसी के मेजरमेंट से हमने बेसन और शक्कर भी एक एक कटोरी ली है। मतलब एक ही कटोरी जिससे आपको बनाना है उसी से आपको सारी चीजें मेजर करके लेनी है। बस पानी की क्वांटिटी जो है वो हमें डबल लेनी है, मतलब 2 कटोरी पानी हमें इसमें लेना है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी को, कि हमें इसे बनाने की शुरुआत कैसे करनी है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले, मतलब हलवे की शुरुआत करने से पहले हम हमारा जो मीठा घोल है वो रेडी कर लेंगे, जिससे हमारा हलवा जो है वो मीठा हो जाए। आप देख सकते हैं, उसके लिए हमें शक्कर को पानी में घोल लेना है। तो बिल्कुल 1 कटोरी जो हमारे मेजरमेंट की कटोरी थी उसी से हमने 1 कटोरी शक्कर ले ली है, और उसमें सेम कटोरी से 2 कटोरी पानी आपको उसमें डाल देना है। अब यहाँ पर हमारे शक्कर का जो पानी का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, ये आपने देख लिया। अगर आप चाहते हैं कि शक्कर जल्दी से पानी में घुल जाए तो आप इसे थोड़ा सा गर्म कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक बाउल में इसे ले लिया है, अब हम इसे गर्म करेंगे ताकि वो इजीली घुल जाए, उसमें जल्दी से घुल जाए। ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है इसे, थोड़ा अगर पानी गर्म हो जाता है तो उसमें शक्कर घुलना आसान हो जाएगा, और ये शक्कर पूरी तरह इस पानी में घुलेगी तब तक हम अपने हलवे की शुरुआत कर देंगे। तब तक शुरुआत हो रही है, हमारा जो शक्कर है वो रेडी हो रहा है, तब तक हम अब हमारे हलवे की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले लेना है दूध। आप देख सकते हैं, दूध जो है बिल्कुल 1 कटोरी का जो मेजरमेंट है हमारा वो हमने दूध ले लिया, और वही कटोरी से, सेम कटोरी से हमें घी भी लेना है, उसमें उतना ही सेम, वो दोनों हमने मिला लिया है। आप देख सकते हैं, दोस्तों, हमने जो दोनों चीजें से मिलाई हैं, 2 मिनट, 2 मिनट भी खैर बहुत ज़्यादा हो गए, हमें थोड़ा समय से देना है ताकि ये उकाली इसमें आ जाए। दिख रहा है वैसे तो हमें कि ये दोनों जो है मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हमारा जो तीसरी चीज़ है, जो हमारा मेन हमारा जो चीज़ है, इंग्रेडिएंट है, वो है बेसन। तो हम बेसन जो है वो उसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं, इस तरह से हो जाना चाहिए। एंड देन अब हमें इसमें बेसन डालना है, वो भी बिल्कुल हमने मेजर किया है वही 1 कटोरी से जिससे हमने दूध और घी लिया था, वही 1 कटोरी ये बेसन भी हमने इसमें लिया है। और अब हम इसे शुरू कर रहे हैं सेकना। आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको शुरुआत में तो इसे थोड़ी देर चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े। गैस जो है हमें मीडियम रखना है, खैर वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप अगर कम पे रखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा हलवे को सेकने में, अगर आप फास्ट पे रखेंगे तो जलने के चांसेस होंगे, इसलिए हम इसे मीड पे रखते हैं, मीडियम्स पे रखेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेक जाए। शक्कर का घोल हम बोल रहे थे, पानी हमने जो बनाया था गैस पर रखा था, इसे मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया है, थोड़ा सा पानी अगर गर्म हो जाता है तो उसके बाद आपका हलवा सिकेगा,
तब तक आपकी शक्कर इस पानी में पूरी तरह से घुल चुकी होगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने गैस जो है वो बंद कर दिया है और इसे बस आपको इस तरह से थोड़ा सा चला लेना है ताकि शक्कर के जो दाने हैं पूरी तरह से पानी में घुल जाएं। आप देख सकते हैं हमारा जो हलवा है वो सिकते जा रहा है, इस तरह से होते जा रहा है। हमारा हलवा जो है वो सिकते जा रहा है, जैसे जैसे वो सिकेगा आपको इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं ऊपर जो है फेस टाइप आ रहा है, ये इसका सिंबल है कि ये अच्छी तरह से सिक रहा है। और थोड़ा सा रेडनेस जो है वो इसमें आ रहा है जो सीखने का सिंबल है कि हमारा ये जो है पूरी तरह से पक रहा है। और एक बात और फ्रेंड्स कि जब ये पूरी तरह से पक जाएगा तो ये हमारी कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी कढ़ाई पे अभी भी चोट नहीं रहा है, पर इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क अगर होता है तो अच्छा लगता है, ब्राउनिश कलर जो है हमारे हलवे का आएगा तो ये अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सिक गया है, मतलब इसका कलर जो है वो भी हम देख सकते हैं कि अब जो रेडनेस है या ब्राउनिशनेस है वो उसमें आ चुका है। और अब हमें इसमें मीठे के लिए हमने जो शक्कर का पानी रेडी किया था वो पूरी तरह से पानी हमें इसके अंदर डालना है। एक बात याद रखना है आपको कि पानी जो हम इसमें डालेंगे शक्कर का, ये हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ पूरा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। और याद रहे पानी हमें पूरा डालना है, ये नहीं सोचें कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये मेजरमेंट ही हमारा परफेक्ट मेजरमेंट है इस हलवे के लिए। तो ये पानी हमें पूरी तरह से इसमें छोड़ देना है, पानी पूरी तरह से इसमें डाल देना है, तरह से जितना पानी हमने बनाया था 2 कटोरी पानी के अंदर शक्कर डाल के वो हमने पूरी तरह से इसमें डाल दिया है। और ये डालने के बाद भी हमें कुछ समय तक इसे चलाना है ताकि ये पूरी तरह से दानेदार बन जाए और हमारी कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दे। और एक और बात कि ये दिखने में और टेस्ट में भी आपको बहुत कह सकते हैं कि मैच करता है मूंग की दाल के हलवे के साथ में, मतलब आप खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मूंग की दाल का हलवा खा रहे हैं। वो सिकते जा रहा है और कढ़ाई को भी धीरे धीरे वो छोड़ रहा है। सकते हैं कि इसमें घी जो है वो पूरी तरह से छूट चुका है, ये घी छूटना ही हमारा एक साइन है कि हमारा हलवा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब हम हमारे गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हलवा जो है पूरी तरह से रेडी हो गया है। और अब हम इसे सजाएंगे, सजाने के लिए जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं उसके थ्रू हमें इसे सजाना है। गैस हम बंद कर देंगे, हलवा जो है अब हम इसे सजाने के लिए हमने एक बाउल में निकाल लिया है और अब हम इस पर हमारी जो चीज़ें हैं सजावट की वो डालेंगे। देख सकते हैं आप, काजू हमें डालना है, बादाम, पिस्ता, सारी चीज़ें हमारे पास हैं हम इसमें डाल देंगे। और साथ में हमारा जो इलायची पाउडर है वो भी थोड़ा सा हमें इसके ऊपर भुरभुराना है ताकि इलायची का जो फ्लेवर है वो हमारे हलवे के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा हलवा जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है, जो दिखने में बहुत टेस्टी दिख रहा है। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।